नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पानम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, समुद्र तट है, लेसन नंबर 6 के प्रश्न और उत्तर के विषय में डिस्कस करेंगे। आइए विद्यार्थियों, पढ़ते हैं उनके प्रश्न और उत्तर। देखिए, अधोलिखित आधे कमलम नीचे लिखित लिखे गए अधोलिखिता नाम नीचे लिखे गए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणी उत्तर लिखत लिखी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखी। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, जनाहा जना जैसे जने है जनऊ जनाहा बहुवचन है तो जनाह का भी स्त्रीलिंग है किम शब्द है जैसे कया काभ्यम का भी और जल विहारम जल विहार कुर्वंती करते हैं लोग किससे किनसे जल विहार करते हैं। तो विद्यार्थियों लेसन के अनुसार हम देखते हैं तो लोग किससे जल विहार करते हैं। जल विहार का मतलब जल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना किसके माध्यम से जाते हैं। तो विद्यार्थियों नाव के माध्यम से जाते हैं तो का भी तृतीय विभक्ति बहुवचन है तो हमारा उत्तर होगा नौका भी नाव से जाते हैं तो का भी के स्थान पर हमारा उत्तर होगा विद्यार्थियों नौका भी। नौका भी खे भारत से दीर्घतम समुद्र तट है। भारत का दीर्घतम सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है। तो विद्यार्थियों लिखेंगे मुंबई चेन्नई नगर से मेरिना तट है। चेन्नई नगर से मेरिना तट है कैके स्थान पर उत्तर लिखेंगे चेन्नई नगर से। मेरिना तट हमारा उत्तर क्या होगा। भारत से दीर्घतम समुद्र तट है चेन्नई नगर से मेरिना तट है ऐसे आंसर लिखेंगे। ठीक है, जना कुत्र स्वयरम विहरन्ति जना लोग कुत्र कहां स्वयरम अपनी इच्छा के अनुसार विहरन्ति विहार करते हैं। लोग कहां अपनी इच्छा के अनुसार विहार करते हैं तो विद्यार्थियों कहां करते हैं मुंबई नगर से जुहू तटे। तो कुत्र के स्थान पर हमारा उत्तर क्या होगा मुंबई मुंबई नगर से जुहू तटे इसके नीचे लिख देता हूं विद्यार्थियों जुहू तटे ये उत्तर होगा किसका जना लोग मुंबई नगर से जुहू तटे स्वयं विहरन्ति इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे आप। कुत्र के स्थान पर मुंबई नगर से जुहू तटे लिखेंगे लोग मुंबई नगर के जुहू तट पर अपनी इच्छा के अनुसार विहरन्ति विहार करते हैं विहरन्ति विहार करते हैं। अब नेक्स्ट है बालकाः बालिका भी किम रचयन्ति बालका लड़के बालिका भी और लड़कियां किम रचयन्ति क्या बना रहे हैं लड़के और लड़कियां क्या बना रहे हैं। तो विद्यार्थी क्या बना रहे हैं बालुका गृह हमारा उत्तर होगा बालुका ग्रहम मिट्टी के घर बना रहे हैं तो किम के स्थान पर लिखेंगे हम बालुका ग्रहम हमारा उत्तर होगा बालकाः बालिका भी बालुका ग्रहम रचयन्ति। ठीक है, कोचि तटे केभ्य से ज्ञायते कोचि तट किनके लिए जाना जाता है केभ्य किनके लिए जाना जाता है। तो विद्यार्थियों कोचि तट जाना जाता है नारियल के फलों के लिए तो उत्तर लिखेंगे हम नारी केल फले भे आंसर क्या लिखेंगे नारी केल फले भे नारी केल फले भे नारियल के फलों के लिए कोचि तट जाना जाता है उत्तर लिखेंगे हम कोचि तट है नारी केल फले भे जायते है कोचि तट नारी केल फलों के लिए जाना जाता है नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मंजू सात है मंजू सासी
पदानि पद चित्वा चुनकर की रिक्त स्थानानि रिक्त स्थान पूर्यत पूर्ण कीजिए। मंजूषा से पद चुनकर के रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। तो विद्यार्थियों देखिए, बंगोप सागर है बंगाल की खाड़ी, प्रायद्वीप है प्रायद्वीप, पर्यटनाय पर्यटन के लिए, क्रीड़ा खेल, संगम है संगम। अब पहला क्वेश्चन है कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी के तट पर त्रियाणाम सागराणाम तीन सागरों का भवति होता है। क्या होता है विद्यार्थियों, कन्याकुमारी के तट पर तीन सागरों का होता है, क्या होता है? तो नंबर वन लिखेंगे हम संगम है, क्या लिखेंगे? संगम है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, कन्याकुमारी के तट पर तीन सागरों का संगम होता है। कन्याकुमारी के तट पर तीन सागरों का संगम होता है। संगम का मतलब जहां पर मिलान होता है। भारत देश इति कथ्यते, भारत देश इस प्रकार कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप है भारत देश, क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप है। आप प्रायद्वीप ऐसे भी लिख सकते हो और प्रायद्वीप आप ऐसे भी लिख सकते हो जिसमें लिख रहा हूं प्रायद्वीप है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों नंबर टू हो गया राय द्वीप, भारत देश प्रायद्वीप भी कहा जाता है। जना समुद्र तटम, लोग समुद्र तट आगच्छन्ति आते हैं, किस लिए आते हैं? पर्यटनाय, नंबर थ्री लिखेंगे पर्यटनाय पर्यटन के लिए, पर्यटन आए लोग समुद्र तट पर्यटन के लिए आते हैं। बाले भी रुचते, बालकों को अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? क्रीड़ा विद्यार्थियों, खेल क्रीड़ा, बाले भी क्रीड़ा रुचते, बच्चों को खेल अच्छा लगता है। भारत से पूर्व दिशायां, भारत की पूर्व दिशा में अस्थि है, क्या है? बंगोप सागर है बंगाल की खाड़ी, लिखेंगे बंगोप सागर है, भारत की पूर्व दिशा में बंगोप सागर अस्थि, भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला आंसर है हमारा संगम है, दूसरा आंसर प्रायद्वीप है, नंबर टू थ्री पर्यटनाय और फोर क्रीड़ा और फाइव नंबर है बंगोप सागर है, पांचवा नंबर विद्यार्थियों किसका है? बंगोप सागर है। इस प्रकार से हम प्रश्न और उत्तर सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है, इसके माध्यम से हम इसका अर्थ भी समझ लेते हैं कि भारत की पूर्व दिशा में बंगोप सागर अस्थि बंगाल की खाड़ी है। एक हमारा एक जीके का प्रश्न भी बढ़ता है कि भारत की पूर्व दिशा में कौन सी खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी है। बच्चों को क्या अच्छा लगता है? क्रीड़ा अच्छा लगता है। जना समुद्र तटम, लोग समुद्र तट किस लिए जाते हैं? पर्यटन आए पर्यटन के लिए जाते हैं। भारत देश कहा जाता है क्या? प्रायद्वीप है। कन्याकुमारी के तट पर तीन सागरों का होता है संगम है। तो विद्यार्थियों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर, यथा योग्यम योजियत, योग्यता के अनुसार जोड़ी मिलान कीजिए इनके अनुसार। जैसे समुद्र तट है, समुद्र तट पर क्या किया जाता है, इस लेसन के अनुसार हम आंसर देंगे। तो समुद्र तट के लिए इस लेसन के अनुसार आंसर होगा पर्यटनाय, पर्यटनाय, ठीक है। क्रीड़न कम, खिलौना किसके लिए होता है? खेलना है, खेलने के लिए। तो ये लिखेंगे विद्यार्थियों खेलना है। दुग्धम दूध, पोषणाय पोषण के लिए। तो चतुर्थी विभक्ति पोषणाय, पोषण के लिए।
दीपक है, दीपक प्रकाशाय, प्रकाश के लिए, प्रकाशाय, प्रकाश के लिए। विद्या ज्ञानाय, ज्ञान के लिए, ज्ञानाय, विद्या ज्ञान के लिए होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5, तृतीय विभक्ति प्रयोगे, तृतीय विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न है बालकाः से पठन्ति, लड़के साथ पढ़ते हैं। अब यहां पर बालिका लिखा हुआ है कोष्टक में, तो बालिका की तृतीय विभक्ति देखिए, क्योंकि सह से और है आ जाता है, तो इससे पहले तृतीय विभक्ति आती है कर्ण का, तो बालिका भी, बालिकाभ्याम, बालिका, बालिकया, बालिकया, एकवचन बालिकया, द्विवचन बालिकाभ्याम और बहुवचन बालिका भी, तृतीय विभक्ति बहुवचन, उत्तर लिखेंगे बालिका भी, बालिका भी, तृतीय विभक्ति बहुवचन बालिका भी लिखेंगे, क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है, जैसे लता, जिस शब्द के अंत में आ होता है वह लता की तरह चलता है, तो देखिए उसके रूप लता की तरह चलते हैं, तो बालिका, इसके अंत में देखिए आ है, आ है, तो बालिका भी तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा। अब तड़ागन तालाब विभाति सुशोभित होता है, कमल लिखा हुआ है, तो कमल को एक वचन में तो लिखेंगे नहीं, कमलेन, तालाब कमल से सुशोभित होता है, एक कमल के फूल से, तो एक सामान्य सी बात होती है कि तालाब में कमल के फूल बहुत होते हैं, तो यहां पर तृतीय विभक्ति बहुवचन लिखेंगे, जैसे फलेन फलाभ्याम फलई, उसी प्रकार से कमलेन कमलाभ्याम कमलई, यहां पर भी तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे, कमलई, तालाब कमलों से सुशोभित होता है। नेक्स्ट, अहम अपि, मैं भी, खेलामी खेलता हूं, मैं भी खेलता हूं, यहां पर कंदुक लिखा हुआ है, कंदुक का मतलब होता है गेंद, तो मैं भी गेंद से खेलता हूं, तो विद्यार्थियों करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से के द्वारा, तो इसमें तृतीय विभक्ति आएगी, तो कंदुक, कंदुक जैसे फलेन उसी प्रकार से कंदुकेन, तो यहां पर बोल से, मैं भी गेंद से खेलता हूं, तो यहां पर लिखेंगे विद्यार्थियों कंदुकी, मैं भी बॉल से या गेंद से खेलता हूं। अश्वहा घोड़े सह साथ धावन्ति दौड़ते हैं, तो घोड़े साथ दौड़ते हैं, यहां पर अश्व लिखा हुआ है, तो घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं, तो यहां पर भी विद्यार्थियों तृतीय विभक्ति बहुवचन लिखेंगे अश्वई, कैसे रामेण रामाभ्याम रामई, उसी प्रकार से अश्वेन अश्वाभ्याम अश्वई, तृतीय विभक्ति बहुवचन लिखेंगे, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। मृगाः उसी प्रकार से हिरण साथ चरते हैं, विचरण करते हैं, चरते हैं, तो यहां पर हिरण हिरणों के साथ विचरण करते हैं या चरते हैं, तो मृगेण मृगाभ्याम मृगई, यहां पर भी तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे, मृगई, मृग मृगों के साथ चरते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कोष्टकात् कोष्टक से उचित पद पर प्रयोगेन, उचित पद के प्रयोग से रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। धनी के धनम ददाति, धनवान धन देता है, धनवान धन देता है, एक में लिखा हुआ है निर्धनम निर्धन को और एक में लिखा हुआ है निर्धनाय निर्धन के लिए, तो विद्यार्थियों कोई भी चीज दी जाती है और वापस नहीं ली जाती है, वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, कोई भी चीज हम दान में देते हैं तो वापस नहीं लेते विद्यार्थियों, तो ऐसी स्थिति में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर भी जो धनवान है धन देता है, किनको देता है, निर्धन को, तो यहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो उत्तर होगा हमारा निर्धनाय, निर्धनाय, धनवान निर्धन को धन देता है। बाल है बालक, विद्यालय में गच्छति विद्यालय जाता है, पठनाय पढ़ने के लिए, पठने पढ़ने से, तो विद्यार्थियों सामान्य सा अर्थ है कि जो विद्यार्थी होता है विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है, तो यहां पर पठनाय आंसर होगा, क्या होगा, पठनाय, पठनाय।
बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सज्जना, सज्जन जीवन भी जीते हैं। कैसे जीते हैं? परोपकारम, परोपकार को जीते हैं, और परोपकाराय, परोपकार के लिए जीते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? परोपकाराय। सज्जन पुरुष जो होते हैं वो परोपकार के लिए जीते हैं, परोपकाराय, परोपकाराय। जो दूसरों को किसी भी प्रकार से कोई कष्ट नहीं देता है उसको सज्जन पुरुष कहते हैं। तो सज्जन पुरुष परोपकार के लिए जीते हैं। प्रधानाचार्य पारितोषिकम यच्छति। प्रधानाचार्य जी इनाम देते हैं, इनाम देते हैं छात्राणाम, छात्रों को, और छात्र भी छात्रों के लिए। तो विद्यार्थियों, अभी अभी हमारे बीच में बात हुई कि जो चीज दी जाती है वापस नहीं ली जाती है, वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर प्रधानाचार्य जी जो इनाम देते हैं वो किनको देते हैं? छात्रों को, और यहाँ पर छात्र भी लिखेंगे। पारितोषिक दिया जाता है उनको, प्राइज दिया जाता है, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे क्योंकि पारितोषिक वापस नहीं लिया जाता है। प्रसन्नता के साथ बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए प्रधानाचार्य के द्वारा छात्रों को पारितोषिक दिया जाता है, इनाम दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। प्रधानाचार्य छात्रे भी पारितोषिकम यच्छति। प्रधानाचार्य जी बच्चों को पारितोषिक देते हैं। अब नेक्स्ट है नमः। नमः जहां पर आ जाता है इस प्रकार से, तो उससे पहले चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थियों शिक्षकाय, शिक्षकाय नमः, शिक्षक को नमस्कार, शिक्षकाय, शिक्षकाय नमः, शिक्षक को नमस्कार। तो विद्यार्थियों, इस लेसन के प्रश्न पूर्ण हो गए हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।